ये कुछ घंटों की बात नहीं है, सरकार भी उनके साथ नहीं है। वो हर रोज दम तोड़ रहे हैं, मगर संघर्ष और हौसला नहीं छोड़ रहे हैं। हाँ, दिल्ली की बॉर्डर पर वो किसान ही हैं जो शहादतों के बावजूद हर रोज हिम्मत जोड़ रहे हैं। हर नए दिन के साथ किसान आंदोलन में हो रही शहादतों के लिए सांत्वना के कोई शब्द या मुआवजे की कोई राशि बहुत छोटी है, मगर इन शहादतों के बावजूद किसान अपने अधिकारों के लिए डटा हुआ है। इस कड़कड़ाती ठंड में किसान दम तोड़ रहा है और भाजपाई सल्तनत उनकी उम्मीदों का गला घोट रही है। भाजपा के इस नाकारापन को, इस हठधर्मिता को, इस अहंकार को इतिहास किस रूप में याद करेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर इतना तय है कि शहीद किसानों की जलती चिताओं से उठने वाली आग की लपटों में इस सरकार का अहंकार खाक हो रहा है। जिस किसान ने इस देश का सदियों सदियों तक पेट पाला है, जो किसान सदियों से मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी संतानें कुर्बान करता आया है, उस किसान को अपने अधिकारों के लिए जान तक देनी पड़ रही है। मगर ये अहंकारी भाजपाई सल्तनत किसान की शहादत पर पूंजीपति मित्रों के महल खड़े करने के ख्वाब देख रही है। धिक्कार है ऐसी सत्ता पर जो अन्नदाता की शहादत पर मौन है, और भाजपा का ये मौन ही इन शहादतों का जिम्मेदार है। जय हिंद।